वेलकम टू एस आर जी प्लस ग्रो। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जो कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड टॉपिक है और ये बॉटनी का ही टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग एक्सपेरिमेंट में आज दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए, और सेकंड जो टॉपिक है वो है ईकोलाई राइबोसोम। तो ये दो टॉपिक हम इस अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कवर करेंगे। इसके बाद जो फर्दर जो हमारे आगे के टॉपिक आएंगे एक्सपेरिमेंट, वो सारे टेस्टिंग बेस्ड होंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए। तो नॉर्मली हम लोग आरएनए के बारे में जानते हैं कि वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ मैसेंजर आरएनए, देन राइबोसोमल आरएनए, एंड थर्ड इज़ ट्रांसफ़र आरएनए। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र आरएनए की ही बात करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली क्लोवर लीफ के मॉडल का जैसे होता है। और नॉर्मली अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि हम यहाँ पे देखें तो बात करें तो यहाँ पे सी सी ए, तो ये थ्री प्राइम डायरेक्शन का होता है और इधर फाइव प्राइम का डायरेक्शन होता है। तो ये हमारा जो सी सी आर्म होता है, इसको हम इसलिए सी सी ए आर्म कहते हैं क्योंकि ये साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन आर्म होती है। इसको हम एक्सेप्टर आर्म भी बोलते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट आर्म हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो जो सेकंड आर्म हमारी ये है वो है टी थ्रेसला सी आर्म। तो टी थ्रेसला सी आर्म को हम लोग जो है नॉर्मली इसको टी थ्रेसला सी आर्म या टी थ्रेसला सी लूप भी कह सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट हमारी जो आर्म आती है वो एक्स्ट्रा आर्म होती है। इसको एक्स्ट्रा आर्म को हम लोग जो है एक तरह से वेरिएबल लूप भी कह सकते हैं या वेरिएबल आर्म भी कहते हैं। इसको इसलिए एक्स्ट्रा आर्म या वेरिएबल लूप कहते हैं क्योंकि इसका साइज़ वेरी करता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है, जो हमारी फोर्थ जो आर्म होती है वो हम देखेंगे, सॉरी थर्ड आर्म जो है वो हम देखेंगे, उसको कहते हैं एंटीकोडॉन आर्म या एंटीकोडॉन लूप। और फिर लास्ट में हमारी जो एक आम आती है वो है हमारी, इसको हम डी एच यू। तो डी एच यू का फुल फॉर्म होता है डाई हाइड्रो यूरिडिन आम। तो इसको डाई हाइड्रो यूरिडिन आम या डाई हाइड्रो यूरिडिन लूप भी कहते हैं या नॉर्मली डी लूप भी कहते हैं। तो ये हमारी जो है पांचों आम हो गई। अब इसमें हम देखेंगे कि जो सी सी ए वाला साइड है वो हमारा थ्री प्राइम है और जो लास्ट में इधर है वो हमारा फाइव प्राइम है। तो इस तरह ये सारा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो नॉर्मली इसको हम अगर डिस्कस करें तो जो ट्रांसफ़र आरएनए का जो मॉडल है सब जो जिसने दिया था वो थे आर हॉली। और फिर इसकी बात करें कि जो इसकी फोल्डिंग होती है, जो फोल्डिंग बनती है, ये नॉर्मली फाइव आर्म होते हैं इसमें, जिसमें कि एक हमारा होता है डी एच यू आर्म, जिसको कि नॉर्मली हम लोगों ने भी डी लूप या डी आर्म भी कहा था। फिर है हमारा एंटीकोडॉन आर्म, ये जो हमारी है वो एंटीकोडॉन आर्म है। तो ये एंटीकोडॉन आर्म हो गई या एंटीकोडॉन लूप भी कहते हैं इसको। इसके बाद वेरिएबल आर्म होती है, जो छोटी स्मॉल वाली दिख रही है वेरिएबल आर्म होती है। फिर नेक्स्ट हमारा टी थ्रेसला सी आर्म और लास्ट में हमारा थ्री प्राइम का जो डायरेक्शन का सी सी ए वाला आर्म होता है वो हमारा एक्सेप्टर आर्म होता है। तो इस तरह से ये हमारी फाइव आर्म की जो है ट्रांसफर आरएनए मॉडल है। अब इसके बाद बात करें तो जो आरएनए जो अमीनो एसिड जो बाइंड करता है, अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में जो कि होता है, तो वो क्या हेल्प करता है कि इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करता है उनकी, जिसमें कि पॉलीपेप्टाइड जो होती है उसमें चेन में वो राइबोसोम पे लगी होती है। तो वो क्या करता है, नॉर्मली राइबोसोम में उस पर हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मली हम ट्रांसफ़र आरएनए की बात करें तो ये जो आरएनए होता है वो अमीनो एसिड पे बाइंड करता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, और ये हेल्प करता है किस चीज़ में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन में जो कि राइबोसोम पे होती है। तो इस तरह ये इनकॉर्पोरेशन में ये जो टी राइबोसोम होती है वो हेल्प करती है। अगर हम जो सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए की बात करें तो वो 72 से 73 न्यूक्लियोटाइड बेस तक का होता है। और फिर अगर आगे बात करें तो सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो फोल्ड होकर, वो खुद ही इनफोल्ड होकर एक ऐसा स्ट्रक्चर देती है जो कि बिल्कुल क्लोवर लीफ की तरह उसका स्ट्रक्चर लगता है।
और डायरेक्शन अगर हम बात करें तो डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन शो करता है, जो कि एक दूसरे की काफ़ी क्लोज होती है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो CCA सीक्वेंस, जिसको हम एक्सेप्टर आर्म भी कहते हैं, ये क्या करती है, ये काम करती है अमीनो एसिड कैरी करने का। तो इस तरह ये, इसीलिए इसको एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें डी आर्म की, तो डी आर्म रिकॉग्नाइज करता है, क्या करता है, वो अमीनो एसिड के एक्शन को, जो कि इसके एंजाइम जो रिएक्शन करेंगे उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करता है डी आर्म, जिसको हम डी लूप भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है टी टेस्ला सी आर्म, जो होता है वो राइबोसोम रिकॉग्नाइजिंग साइट होती है। तो ये साइट क्या करती है, राइबोसोम को जो पर्टिकुलर जो रिक्वायर्ड राइबोसोम होती है उसकी साइट को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे स्टिक करती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो एंटीकोडॉन आर्म जो होती है वो रिकॉग्नाइज क्या करती है, बाइंडिंग साइट, जो कि स्पेसिफिक कोडॉन को बाइंड करता है मैसेंजर आरएनए पर। तो मैसेंजर आरएनए का फंक्शन ही यही होता है कि वो जब ट्रांसफर आरएनए उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और उस पर बाइंड कर लिया, तो मैसेंजर आरएनए उस पर अपना फिर जो मैसेज होगा या कोडिंग होगी वो उसको जो है फर्दर प्रोसीड करेगा। इसके बाद आगे हम बात करें तो जो हम देखेंगे कि डबल स्ट्रैंड, नॉर्मली जो डबल स्ट्रैंडेड स्टॉक्स होते हैं वो टिपिकली बेस पेयर बनाते हैं, जबकि जो लूप अगर होता है तो वो बेस पेयर नहीं बनाते हैं। इट मींस कि जो जैसे कि नॉर्मली एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन जो होते हैं, जो अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर से जो अपना बॉन्डिंग बनाते हैं, तो इस तरह ये अपना स्ट्रैंड अगर बना रहे हैं तो इट मीन्स कि वो पेयरिंग अपनी कर रहे हैं, और अगर जो लूप बना रहे हैं तो पेयरिंग नहीं हो रही है उसमें। तो इस तरह ये हमारा ट्रांसफर आरएनए का मॉडल हो गया। अब हम आगे बात करते हैं ई कोलाई की। तो ई कोलाई राइबोसोम में हम बात करें तो ई कोलाई जो होता है वो 70S राइबोसोम से बना होता है, जो कि 70S में हम देखें तो जो लार्जर यूनिट होती है वो 50S की होती है, और स्मॉलर यूनिट जो होती है वो 30S की होती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ई कोलाई में जो इंडिविजुअल राइबोसोम होता है वो उसकी एवरेज डायमीटर देखें तो हम 21 से 23 nm तक होती है, नैनोमीटर। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 50S एंड 30S सब यूनिट, ये दोनों ज्वाइंट करके क्या फॉर्म करते हैं, मैसेंजर आरएनए की चेन। तो इस तरह ये दोनों हम कह सकते हैं कि 50S एंड 30S जो है 70S राइबोसोम फर्दर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर हम देखें तो मैसेंजर आरएनए पे जो कोडॉन एक तरह से प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो सब यूनिट होते हैं ट्रैकिंग ग्रूव्स की जो प्रेजेंट होती है उसमें, ये क्या करती हैं, बाइंडिंग साइट जो मैसेंजर आरएनए पर होती हैं उससे जाके अटैच होकर उसका ट्रैकिंग ग्रूव बनाती हैं। फिर आगे हम बात करें तो इसमें दो साइट्स होती हैं जिसको हम पी और ए साइट कहते हैं। पी साइट हम कहते हैं पेप्टाइडल को, और ए साइट हम कहते हैं अमीनो एसाइल को। तो ये दोनों साइट होती हैं, और इस जो प्रेजेंट होती हैं वो लार्जर सब यूनिट पर प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि देखिए एक जैसे राइबोसोम है तो ये अभी हम लोगों ने देखा कि एक दो सब यूनिट से मिलकर बनाता है, स्मॉलेस्ट और लार्जर सब यूनिट। तो ये लार्जर सब यूनिट होती है, यही जाकर जो है उसमें बाइंडिंग करती है, और इसी पर हमारा जो कोडॉन होता है या ए और पी साइड जो हम बोलते हैं इसको, पी और ए साइड, ये यहीं पर प्रेजेंट होता है लार्जर सब यूनिट पर। फिर इसके बाद हम देखें तो जो पेप्टाइडल साइड लेट जो होल्ड करती है वो ट्रांसफर आरएनए को ले जाने का काम करती है, और धीरे धीरे क्या करती है, पॉलीपेप्टाइड चेन को बढ़ाने का भी काम करती है, क्योंकि ये जब ले जाती है ट्रांसफर आरएनए कैरी करके तो वो प्रोटीन बनाती है, तो उस प्रोटीन को बनाने के दौरान जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बढ़ती रहती है, आगे शिफ्ट होती रहती है और बढ़ती रहती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो जो साइट होल्डिंग होती है ट्रांसफ़र आरएनए वो एंटीकोडॉन आर्म पर होती है, और एंटीकोडॉन आर्म जो होते हैं वो बाइंड होता है मैसेंजर आरएनए के चेन से। तो इस तरह ये जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है
ये नॉर्मली ई कोलाई में फंक्शन करता है। और इसका फंक्शन क्या है मेन, ये सब होता क्यों है, क्योंकि देखिए किसी भी जो जितने भी लिविंग बींग हैं उनमें अगर जो राइबोसोम है और आरएनए है तो ये अपना अपनी कॉपीज़ बनाएगी, अपनी प्रोटीन बनाएगी, तो इसी वजह से ये अपना प्रोटीन फॉर्मेशन करने के लिए ये सारे इसमें अरेंजमेंट होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।